आरटीडीसी के चेयरमैन है कांग्रेस। अच्छा, वो तो रजिस्टर्ड दलाल है भाई, सब लोग जानते हैं किस तरह से। वो तो बीजेपी में दलाली करते हैं, कांग्रेस में दलाली करते हैं, सब लोग जानते हैं उनके बारे में। क्या पांचवान पूछना, सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग आलाकमान के साथ हैं। कौन सच्चा, कौन सच्चा, कौन गद्दार, कौन क्या, आज रिजल्ट उनके सामने आ गया ना, 9056 वोटों का, सबको मालूम है। उनकी बात करके अपना समय जाया करने की बात है। सब लोग हम कांग्रेस पार्टी के साथ थे, कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ मरेंगे, इससे पहले बात हो चुकी है। और एक बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि जब हम विधायक दल की मीटिंग में गए थे, विधायक दल की मीटिंग में गए थे, उस समय मुझे जो देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कैसे जो घराने जो जीत के आते थे चुनाव, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कांग्रेस के अंदर, आलाकमान के अंदर, आलाकमान की बात करने वाले घराने थे जिन्होंने इस राजस्थान के कांग्रेस को सींचा, वो लोग वहां थे। मदराना फैमिली वहां थी, ओला फैमिली वहां थी, वहां पे नारायण सिंह जी की फैमिली वहां थी, बुढ़ानिया जी वहां थे, सीनियर लोग वहां थे। और राजस्थान के सबसे वरिष्ठ नेता जो 77 में चुनाव जीते हुए, हमारे दलित समाज के सबसे वरिष्ठ नेता परशुराम मोरदिया जी भी वहां थे, एसटी के सबसे वरिष्ठ नेता जिन्होंने सबसे ज्यादा चुनाव जीता हो रामनारायण मीणा जी भी वहां थे। उसके बाद में माइनॉरिटी के जो सबसे वरिष्ठ नेता रहे, जो तीन तीन स्टेटों के अंदर जिनके फादर मंत्री रहे हो, बहन जहीदा जी भी वहां थी। तो मैंने एक चीज पहले देख के महसूस की कि जो लोग कांग्रेस आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं, जो लोग सालों साल चुनाव जीत के आते हैं, जो लोग कांग्रेस में वास्तव में आस्था रखते हैं, कांग्रेस में आस्था रखते हैं, वो सारे लोग वहां थे। और किस तरह से उन लोगों ने 12-1 बजे तक वेट किया, तो मैं उनको नमन करता हूं ऐसे लोगों को कि जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए जो धैर्य से काम किया, उसके साथ साथ हम सब लोग बैठे हुए थे। किस तरह से जो चुनाव जीत के आते हैं, उनकी ताकत और तपस्या कभी भी बेकार नहीं जाएगी। इसलिए हम सब लोग कहते हैं, उनसे हमने प्रेरणा ली, उनसे हमने बात कही, तब उन्होंने हम लोगों को सबने समझाया, सीनियर नेता ने, कि सब लोग कांग्रेस के साथ में रहना है। और कांग्रेस का जो हमारा जो एजेंडा है, एक ही है कि किस तरह से जो हम 23 के अंदर रिपीट करें, उस एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं। और आने वाले 23 के अंदर हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, और आने वाले 24 के अंदर हम माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। आलाकमान जो करेगा अच्छा करेगा। पहले सब लोग कह रहे थे कि आलाकमान जो करेगा, मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि जो भी आलाकमान ने आज तक किया है राजस्थान में, वही हुआ है, वही हुआ है, और आगे भी वही होगा। आलाकमान करेगा अच्छा करेगा, आलाकमान पे सब लोगों को विश्वास है। आने वाले समय के अंदर जो भी होगा अच्छा होगा, सोच समझ के होगा। आलाकमान को मैं ज्ञान दूं ऐसा कुछ मेरे पर है नहीं, लेकिन जो व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। उनका चेहरा, चार चरित्र को पहले देखने की जरूरत है। वो लोग भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह से काम कर रहे थे, वो लोग कांग्रेस में भी इस तरह से काम कर रहे हैं। जिन लोगों का काम दलाली काम करना है, उन लोगों को कांग्रेस के मामले में नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।